हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, RBI सिक्योरिटी गार्ड सिलोजिम्स के मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं। जिस बच्चों को सिलोजिम्स में प्रॉब्लम होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के डेली बेसिस पे आपके लिए सेट्स आ रहे हैं, उन वीडियोज़ को आप जाके देखिए। रीजनिंग का ही एक चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म। क्या कहते हैं? सिलोजिज्म कहते हैं। उसी को आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ाएंगे, 10 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे सिलोजिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हमारे RBI सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड प्लेलिस्ट में है। अब मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, आप खुद प्लेलिस्ट को खोल के आप उसमें जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सिलोजिज्म्स के सवाल पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं आपको, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाइए सर। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका इंग्लिश का भी एक सेक्शन है जिसमें आपको अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो हो सकता है आपका मेरिट नहीं बन पाए। तो अगर आप सब चीज़ को इंग्लिश में समझिएगा ना, वैसे तो आपको मैथ और हिंदी का, आपको अगर आप चाहिएगा तो हिंदी में भी क्वेश्चंस देगा, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन कोई हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही होता है। इसलिए मैं इंग्लिश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन को, जिससे आपका इंग्लिश और भी अच्छा हो सके और अच्छे तरीके से आप इंग्लिश में नंबर ला सकें। ठीक है, चलिए सिलोजिज्म के सवालों पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको इसी में से वेन डायग्राम बनाना पड़ता है और फिर कंक्लूजन में से आपको देखना पड़ता है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहले फ्रेंड्स, ऑल लिक्विड्स जो है वो सॉलिड है, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड। ठीक है, ऑल लिक्विड्स को सॉलिड डाल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, सॉलिड है। ओके, अब कह रहा है सम सॉलिड्स आर गैसेज, कुछ सॉलिड्स क्या है, गैसेज है। ओके, और कह रहा है ऑल गैसेज आर क्लाउड्स, ऑल गैसेज क्या है, क्लाउड्स है। ये फिगर बन गया डायग्राम, आपको समझ में आया। देखिए, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, ये जो लिक्विड है टोटल ये सॉलिड के अंदर आ रहा है ना, बिल्कुल। सम सॉलिड्स आर गैसेज, कुछ गैस का पार्ट सॉलिड में आ रहा है, ठीक है, कुछ ठोस गैसेज में आ रहा है, ठीक है, और सभी गैस जो है क्या है, क्लाउड्स है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए कंक्लूजन को हम लोग देखेंगे क्या कहता है, सम क्लाउड्स आर सॉलिड, क्या कुछ क्लाउड्स सॉलिड है, बिल्कुल है। देखिए ये भाग जो है, इतना भाग, ये भाग जो है सॉलिड के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल पहला सही है, पहला क्या है, सही है। सम क्लाउड्स आर लिक्विड, क्या कुछ क्लाउड्स लिक्विड है, नहीं, देखिए ये दोनों में कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, नहीं ना कॉन्टैक्ट है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सम गैसेज आर लिक्विड, कुछ गैसेज लिक्विड है, जब क्लाउड्स ही लिक्विड नहीं है तो गैस कहाँ से होगा, ये भी गलत है। सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स, सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स, बिल्कुल सही है, सम क्लाउड्स आर सॉलिड हो या सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स हो, दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन और फोर क्या करेक्ट है, देखिए आंसर कोई दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, दैट इज ओनली वन एंड फोर फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट जो है, कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे हैं, रैट है। ओके, आर ए टी। ऑल बैट्स आर टेबल्स, क्या है, ऑल बैट्स जो है टेबल में है, टेबल है, एंड ऑल रैट्स आर बैट्स। देखिए अब इसको पहले नहीं करते, अब इसमें हम चले आते हैं, टोटल पढ़िए, ऑल रैट्स आर बैट्स है, तो सभी रैट क्या है, बैट है, क्या है, बैट है। और अब इस पे आते हैं, ऑल बैट्स आर टेबल, तो सभी बैट क्या है, टेबल है। इस तरीके से बनाइए, समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। पहले तो हम इसको लिए, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स को रैट्स ले लिए, ऑल बैट्स आर टेबल बोल रहा था, तो बैट्स और टेबल तो अभी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कहाँ से लेते, इसलिए हम मैंने आगे पढ़ा ऑल रैट्स आर बैट्स, तो अब रैट दिया हुआ था तो रैट के ऊपर क्या हो गया, टोटल बैट्स आ गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ऑल बैट्स आर टेबल, तो बैट्स के ऊपर टेबल हो गया। अब चलिए चलते हैं पहला पे, सम कैट्स आर बैट्स, कुछ कैट क्या है, बैट है, बिल्कुल है, कुछ कैट बैट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन वन सही है। ऑल बैट्स आर रैट, सभी बैट जो है रैट है, नहीं सभी नहीं है, कुछ कहते हैं ना तो सही हो जाता है, लेकिन सभी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ऑल टेबल्स आर कैट, सभी टेबल जो है कैट है, ये इतना बड़ा भाग है, यहाँ तो पूरा खाली लग रहा है, खाली इतना पोर्शन आपका टेबल जो है वो कैट में आ रहा है, ठीक है ना, सब नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है कंक्लूजन, चौथा कह रहा है ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, ये भी गलत है, तो ओनली कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वन इज टू हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या है, वन इज टू, ओनली वन इज टू, नन ऑफ द एबव हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो कंक्लूजन वन इज टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं फ्रेंड्स। सीपीयूज, चलिए सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं सीपीयू को, जिसे मदर भी कहते हैं, किसी भी कंप्यूटर का मदर उसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब क्या कह रहा है, मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड्स, क्या कह रहा है, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड, मोस्ट कहें या कुछ कहें सेम समझिए, ठीक है, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड्स, और क्या है, कीबोर्ड्स है, कीबोर्ड्स है, मोस्ट सीपीयू, सीपीयू इसको लिखिए।
नो कीबोर्ड इज अ माउस, कोई भी कीबोर्ड क्या है माउस नहीं है, और ऑल माउस आर सीपीयू, यहाँ पे माउस डाल देते हैं, ऑल माउस क्या है सीपीयू, लेकिन कीबोर्ड और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कीबोर्ड और माउस में कोई रिलेशन नहीं। समझ में आया, देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड, तो कुछ सीपीयू को हम लोग कीबोर्ड में डाल दिए, ठीक है, नो कीबोर्ड इज अ माउस, चलिए कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, ऑल माउसेज आर सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर माउस हो जाएगा, ठीक है, और माउस और कीबोर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू, क्या कह रहा है, कुछ कीबोर्ड जो है सीपीयू है, बिल्कुल है, ये पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ना, ये कॉमन है दोनों में, बिल्कुल कॉमन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। ऑल सीपीयूज आर माउस, ऑल सीपीयू और माउस नहीं, ऑल माउस और सीपीयूज कहता ना तो सही हो सकता था, लेकिन ऑल सीपीयू और माउस नहीं है, दूसरा गलती है, नो माउस इज अ कीबोर्ड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको दे चुका है नो कीबोर्ड इज अ माउस, तो नो माउस इज अ कीबोर्ड, बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर सही है। चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस कीबोर्ड है नहीं है फ्रेंड्स, ऊपर लिख चुका है कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वन और थ्री आपका आंसर हो जाएगा, तो कंक्लूजन वन एंड थ्री फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेज, क्या कह रहा है, ऑल क्लॉक्स जो है क्या है, वॉचेज है, क्या है, वॉचेज है, ठीक है, और क्या कह रहा है, सम क्लॉक्स आर अलार्म, सम क्लॉक्स आर अलार्म, सम क्लॉक क्या है, अलार्म्स है। समझ में आ गया फ्रेंड्स फिगर को, फिगर में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कंक्लूजन को देखते हैं, सम अलार्म्स आर वॉचेज, कुछ अलार्म वॉचेज है, क्या है बताइए, तो है ना फ्रेंड्स, ये पोर्शन जो आ रहा है ये अलार्म और वॉचेज में कॉमन है, तो बिल्कुल होगा, सही है, पहला क्या है, सही है, ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन वन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऑल वॉचेज आर अलार्म, ऑल वॉचेज आर अलार्म, नहीं सभी अलार्म कहाँ है फ्रेंड्स, सब वॉचेज अलार्म थोड़े हैं, कुछ है लेकिन सब नहीं है, तो ऑप्शन टू गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना हमारे वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट में जाके और भी सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड को लेकर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, नो सिटीज़ आर कंट्रीज़, कोई भी सिटी क्या है, कंट्रीज़ नहीं है, नो सिटीज़, सिटीज़ लिख दिया मैंने, नो सिटीज़ आर कंट्रीज़, ओके। और क्या कह रहा है, नो कंट्रीज़ आर विलेजेस, कोई भी कंट्री क्या है, विलेजेस नहीं है, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, सम कंट्रीज़ आर सिटी, कुछ कंट्रीज सिटी है, तो कहाँ से होगा फ्रेंड, जब आपस में कोई मेल ही नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता, नो विलेजेस आर सिटी, कोई विलेजेस आर सिटी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये कह नहीं सकते हैं, ये दोनों में तो कह रहा है कि नहीं है, लेकिन ये थोड़े कह रहा है कि सिटीज और विलेज नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, ऑल कप्स आर पेंसिल, सभी कप्स जो है पेंसिल है, तो कर लीजिए क्या करेंगे हम लोग, सभी कप्स को क्या कर देंगे, पेंसिल में डाल देंगे, पेंसिल, ओके। समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सम पेंसिल्स आर पेन, कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, आया समझ में। अब देखिए कंक्लूजन पे चलते हैं, सम पेंसिल्स आर कप, कुछ पेंसिल्स कप है, बिल्कुल सही है, कुछ पेंसिल का भाग जो है ना कप है, ये जो भाग है कुछ पेंसिल का भी तो भाग है जो कि कप है, नो पेंसिल आर कप, कोई भी पेंसिल कप नहीं है, गलती है, ओनली कंक्लूजन। अब देखिए तीसरा देख लेते, तीसरा भी दिया हुआ है, तो हाँ सम कप्स आर पेन, कुछ कप्स पेन है, ये भी गलत है, कोई कप नहीं है, कप और पेन में कोई रिलेशन नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा, क्या होगा, ओनली वन फॉलो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, क्या कह रहा है, सभी फ्रूट जो है क्या है, लीव्स है, क्या है, लीव्स है, और सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स भी कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सम फ्रूट्स क्या है, कुछ फ्रूट ग्रेप है। अब देखिए कंक्लूजन में चलते हैं, सम लीव्स आर ग्रेप्स, सम लीव्स आर ग्रेप्स, बिल्कुल सही है, कुछ लीव्स तो ग्रेप्स होगा ना, ये जो भाग है लीव्स के अंदर ही ना आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट, क्या ऑल ग्रेप्स फ्रूट है, नहीं बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर टू आपका गलत है, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ओनली कंफ्यूजन वन फॉलो हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलोजिज्म्स के डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, नो रिंग्स आर बैंगल्स, कोई भी रिंग जो है बैंगल्स नहीं है, कोई भी रिंग क्या है, बैंगल्स नहीं है, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल गोल्ड आर रिंग्स, गोल्ड इसके अंदर आ जाएगा, गोल्ड आर रिंग्स, ठीक है, समझ में आया। मैं इसको फिर से आपको बताने के लिए बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं हो गया, घिचपिचा हो गया, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, नो रिंग्स आर बैंगल्स, नो रिंग्स इसको बड़ा कीजिए,
आर बैंगल्स, बैंगल्स इसमें कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। अब कह रहा है ऑल गोल्ड आर रिंग, तो गोल्ड इसके अंदर आ गया, ऑल गोल्ड आर रिंग। अब कंक्लूजन देखते हैं, नो बैंगल्स आर गोल्ड, नो बैंगल्स आर गोल्ड, तो बिल्कुल सही है, कोई भी बैंगल गोल्ड नहीं होगा, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। नो बैंगल्स आर गोल्ड, कोई भी बैंगल आपका गोल्ड नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सम रिंग्स आर गोल्ड, सम रिंग्स आर गोल्ड, ये भी सही है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स, क्या है दोनों सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, वन एंड टू दोनों फॉलो करेगा, बोथ कंक्लूजन वन टू फॉलोज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑल एप्पल्स आर बनानाज, सभी एप्पल क्या है, ऑल एप्पल्स आर बनानाज, सभी एप्पल क्या है, बनानाज है, ठीक है। नो बनाना इज ए मैंगो, कोई बनाना जो है मैंगो नहीं है, तो मतलब मैंगो अगर यहां मान लेते हैं ना, तो कोई बनाना नहीं है मैंगो, तो कट कर देते हैं, ठीक है। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ मैंगो क्या है, ऑरेंजेस है, कुछ मैंगो क्या है, ऑरेंजेस है। चलिए अब कंक्लूजन में चलते, क्या कह रहा है, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, तो बिल्कुल सही है, सभी ऑरेंज कहां से बनाना होगा, कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, कोई मैंगो एप्पल नहीं है, क्योंकि बनाना नहीं होगा तो एप्पल कहां से होगा, तो बिल्कुल गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर, क्या है, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब पेंटर हैं, सब आर्टिस्ट क्या है, पेंटर है, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स, ओके। अब क्या कह रहा है, देखिए क्या कहेगा, अब कह रहा है कि ऑल एक्टर्स आर जेंटल, ऑल एक्टर्स, इसे मैं फिर से बताता हूँ फ्रेंड्स, इसे बना देता हूँ फिर से फिगर, ओके। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स, ओके, ऑल आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को ए आर से लिखते हैं, वो क्या है, पेंटर है, क्या है, पेंटर है, ओके। अब कह रहा है ऑल एक्टर्स आर जेंटल एंड ऑल जेंटल्स आर पेंटर्स, ओके। अब देखिए ऑल एक्टर्स आर जेंटल, ऑल एक्टर्स, एक्टर्स क्या है, ऑल एक्टर्स क्या है, जेंटल है, जेंटल है, और ऑल जेंटल आर पेंटर, तो ये जेंटल भी किसके अंदर आएगा, पेंटर के अंदर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ऑल एक्टर जेंटल कहा और ऑल जेंटल्स आर पेंटर है, तो पेंटर के अंदर ही ना आएगा जेंटल, बिल्कुल। एक बार डायग्राम को आप देखिएगा फ्रेंड, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नो आर्टिस्ट इज एक्टर, कोई भी आर्टिस्ट जो है एक्टर नहीं है, क्या ये सही होगा, नो आर्टिस्ट इज एक्टर, तो फ्रेंड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला गलत है। ऑल पेंटर्स आर एक्टर, क्या सभी पेंटर एक्टर हैं, सभी पेंटर एक्टर नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि पेंटर का भाग देखिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, और एक्टर तो थोड़ा सा है, तो सभी पेंटर एक्टर नहीं होंगे, बिल्कुल। ऑप्शन टू भी, कंक्लूजन टू भी गलत है। कंक्लूजन थ्री पे चलते हैं, सम जेंटल आर नॉट एक्टर, सम जेंटल आर नॉट एक्टर, सम जेंटल आर नॉट एक्टर, तो कुछ जेंटल तो एक्टर है ही फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि सभी एक्टर जेंटल के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ जेंटल तो एक्टर हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। कंक्लूजन थर्ड भी आपका क्या है, गलत है, ओके ना। अब क्या कह रहा है चौथा, सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, तो फ्रेंड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां कोई डिफाइन नहीं किया है, इसलिए आपका चौथा भी गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन फॉलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नन फॉलोज, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन सिलोजिज्म्स के रिलेटेड, जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, घंटी का दबा दीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए। किस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा तो हमें और वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियोस जो मैं बना रहा हूं वीडियो पसंद आता है, तो सबसे पहले लाइक कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, और डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा दूं तब तक हमारा चैनल आपके लिए वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।